बताना चाह रही हूं आप सभी को, गुरुदेव 2005 की बात है, आज से 19 बरस पहले दिल्ली दूरदर्शन की एक रिकॉर्डिंग में गई थी। पतिदेव उस समय मेरठ में तैनात थे और फरवरी मार्च का महीना था। रिकॉर्डिंग में एक दो चीजें जब गा ली तो आप जानते हैं पारंपरिक विधा का समापन चैती से होता है, तो मैंने चैती आरंभ की गानी। जैसे ही मैंने चैती गानी आरंभ की तो ऊपर से आदेश आया, जैसे स्टूडियो होता है ना ऊपर जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं वो, कट कट कट, आप ये नहीं गा सकती। मैंने पूछा क्यों नहीं गा सकती, मुझे लगा कि कुछ साउंड में प्रॉब्लम है या कुछ तकनीकी समस्या आ गई है। उन्होंने कहा आप अपने गाने को बदल दीजिए। मैंने कहा चैती तो बड़ी पुरानी हमारी लोक विधा है, इसे क्यों परिवर्तित करूं। बोले नहीं आप चैती गाइए कोई भी, लेकिन आप जो शब्द गा रही बदल दीजिए। और मैं इतनी चकित हुई, ऐसा भी दुर्भाग्य देश ने देखा है, समय बड़ा बलवान है। मैं वापस लौट आई और 19 बरस हो गए इस बात को गुरुजी। अब आप ये देखिए कि सब जगह उसके शब्द थे, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा लिहले अयोध्या में। उन्हें आपत्ति इससे थे कि ये मत कहिए कि राम अयोध्या में जन्मे थे, आप कुछ भी और गा दीजिए। और कल दूरदर्शन की, उसी दूरदर्शन की कॉन्सर्ट शुरू हो रही है जिसका आरंभ मेरे ही द्वारा, मुझसे ही गवा के, और मैं वही गाऊंगी जो 19 साल पहले गाने से रोका गया था गुरुदेव। ऐसा भी समय रहा है प्रभु, इस देश ने यह समय भी देखा है। और तब हिम्मत नहीं थी किसी के आकर के कहने की कि हम इतना बड़ा सत्य बोल पाए। लिहले जन्म रघुरैया हो रामा लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म दशरथ
भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, 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 लिखल अयोध्या में भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, लिखल सरकारी चैनल था ना दूरदर्शन, बाकी कहीं मनाई नहीं, सरकारी चैनल में
उन्हें चैती से आपत्ति नहीं थी, चैत मास से चुनरी रंगा दे, बालम गा दीजिए, कुछ भी गा दीजिए, लेहले जन्म रघुरैया हो रामा लेहले अयोध्या में, ये पंक्ति नहीं आए। और उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, तो ये बातें कौन कहता कहाँ कहता। और बाद में ये भी असहिष्णुता पे जब बात चली थी, तब मैंने एक टेलीविजन की डिबेट में कहा था कि आप लोग को असहिष्णुता लगती है, उस समय आप लोग कहाँ थे? हमारे जैसे कलाकार गवाह बैठे हैं कि हम लोग, मैं तो हमेशा राम की चीज़ें हम लोग गाते रहे, लोकगीत गाती हूँ, चैती तो घाटों कितनी पुरानी विधा है, लेकिन इसको गाने से रोक दिया तो हम लोग की सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। और मैं हमेशा से गरिमा के संग जीवन जीती आई हूँ, मैं सड़क पर इन चीज़ों को ले जाने वाली उसमें मैं यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन एक समय आता है सही समय बात कहनी चाहिए। और तब सही समय पर बात कही तो लोगों को आज भी वो कभी कभी वीडियो बड़ा वायरल होता है, व्हाट्सएप पे आता है। और मुझे आश्चर्य हुआ जब दूरदर्शन ने कल से अपना लाइव प्रसारण का कार्यक्रम शुरू करा है, गुप्तार घाट से होगा, तो पहले शाम के लिए जब मुझे बुलाया तो मैंने कहा ये राम की लीला है, कि कहीं भी होता है ये प्रभु की लीला है, कि आज आपके यहाँ गुरुदेव के यहाँ कौन सा ऐसा विश्व का कलाकार है जो नहीं आ रहा गुरुदेव के सम्मान में, लेकिन ये गुरु कृपा है कि उन्होंने मुझे आज याद किया, ये उनका आशीर्वाद है मुझ पर। और मैं बता नहीं सकती कि कितना आनंद है, मैं तो समझिए ये तो कार्यक्रम है जो सार्वजनिक हो रहा है, इधर रोज मन में 24 घंटा माइक हो तो रोज गाए, रोज नाचे, यही तो मन उत्सवमय है पूरा।